डियर स्ट्रेंथ, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं और उस क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ओएच फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 4 टाइप्स के होते हैं और वे अल्कोहल के टाइप होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स बता दिए थे और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के हमने आपको डेफिनेशन बोल दिया था और उसके एग्जांपल्स लिख दिए थे। अब आज की क्लास में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसके लिए हमने आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं मोनो, हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए आपको डेफिनेशन बताया था, वे अल्कोहल जिसके एक अणु में एक ओएच ग्रुप मौजूद होते हैं या एक ओएच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। और हमने आपको इसके एग्जांपल्स भी दिए थे। इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए हम जनरल फार्मूला, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए हम जनरल फार्मूला देखिए लिखते हैं, इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं आर ओ एच और देखिए इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n+1OH। और सभी बच्चे पहले से ही जान चुके होंगे इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक फंक्शनल ग्रुप होता है और वह फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी, यानी इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए, इसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप इसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप OH। और ये हमने इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए जो जनरल फार्मूला R और CnH2n+1 लिखा है, ये इनफैक्ट होते हैं अल्काइल ग्रुप, यानी ये R और CnH2n+1 ये जो होते हैं, ये होते हैं अल्काइल ग्रुप। अब आपको हम आगे बताएंगे ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगला देखिए इसी में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं।
पहले टाइप का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा होता है आपको टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को हिंदी में हम कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को हम हिंदी में कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। अब आगे आप देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जो ये थ्री टाइप्स होते हैं, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो तीन प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं। पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको होता है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। ये प्राथमिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो। पिछले वीडियो में, शुरू के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, तो उसका डिफिनेशन देखिए दिया था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हो वो कार्बन कहलाते हैं प्राइमरी कार्बन। यानी वे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो कहने का तात्पर्य है कि उस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सबसे पहले सभी बच्चे प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। प्राथमिक अल्कोहल किसको कहते हैं, पहले हिंदी में लिखा दे रहे हैं उसके बाद अंग्रेजी में लिख देंगे। आप लिखेंगे वे अल्कोहल जिसमें वे अल्कोहल जिसमें इस तरह से लिखेंगे OH समूह, OH लिखने से पहले आप एक बॉन्ड देंगे, वे अल्कोहल जिसमें OH समूह सीधे प्राइमरी कार्बन जिसमें OH समूह सीधे प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। अंग्रेजी में देखिए हम डिफिनेशन लिखेंगे डी अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली attached to the primary carbon is called primary alcohol, प्राइमरी अल्कोहल। और देखिए इसी प्राइमरी अल्कोहल को हम कहते हैं
इसी प्राइमरी अल्कोहल को कहते हैं, और आप यह भी लिख लीजिए इस प्राइमरी अल्कोहल को कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल कहलाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, सिमिलरली टर्शरी अल्कोहल कहलाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल। और जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका CH3OH। देखिए CH3 में अगर हम जो मिथाइल अल्कोहल है हम इस कार्बन के स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए मिथाइल ग्रुप यह होता है, उसमें देखिए ये कार्बन चारों तरफ से तीन तरफ से केवल हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसमें एक ग्रुप लगेगा OH। तो यह कार्बन यानी मिथाइल अल्कोहल का, ये जो मिथाइल अल्कोहल हुए और यानी जिसका हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको लिखा है, ये मिथाइल अल्कोहल, इस मिथाइल अल्कोहल का जो कार्बन है यह कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह कार्बन होगा प्राइमरी कार्बन और इस प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप सीधे अटैच है, तो इसलिए मिथाइल अल्कोहल एग्जाम्पल्स होंगे किसके, प्राइमरी अल्कोहल के। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल होगा CH3CH2OH, और यह कार्बन देखिए यानी इथाइल अल्कोहल के जो कार्बन है, ये जो हमने अल्कोहल लिखा ये इथाइल अल्कोहल का देखिए जो OH से जुड़ा हुआ कार्बन है, यह कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि यह केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल एग्जाम्पल्स होंगे किसके, प्राइमरी अल्कोहल के। आप लिमिटेड सेंस में ये कह सकते हो या आप खुले तौर पे कह सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल ने sp3 कार्बन और OH के बीच ओवरलैपिंग होता है या OH के बीच बॉन्ड बनते हैं, यानी प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में जो कार्बन एटम होते हैं उस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहले एक मिनट के अंदर आप लोग तुरंत लिख लीजिए इसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल, तब आपको बताते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए दूसरा लिखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंड नंबर हम लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, यानी सेकेंड टाइप होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, और वे अल्कोहल आपको होंगे सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंड नंबर में देखिए हम लिखेंगे सेकेंडरी जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल हिंदी में देखिए इसको हम कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल, हिंदी में देखिए इसको हम कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल,
और सेकेंडरी अल्कोहल का पहले आप हिंदी में डिफिनेशन लिख लो। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हिंदी में जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, आप डिफिनेशन लिखिए, वे अल्कोहल वे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहलाते हैं। देखिए अंग्रेजी में डिफिनेशन लिखेंगे, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल और इसी को हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। इसके देखिए जैसे हम एग्जांपल लें, इसका पहला एग्जांपल यानी देखिए सेकेंडरी अल्कोहल वे अल्कोहल होंगे जिस अल्कोहल में OH ग्रुप डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा, और सेकेंडरी कार्बन का हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि वैसा कार्बन जो दो और कार्बन से जुड़ा हो। जैसे सपोज कीजिए हम देखिए लिखते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखिए, या हम लिखे देखिए CH3CH3CH। इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप में आप देखिए यह जो कार्बन है ये दो और कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये जो दो और कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये कार्बन हुए सेकेंडरी कार्बन, और इससे जब हम OH ग्रुप अटैच कर देंगे तब यह अल्कोहल होगा यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको होंगे सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए एक बात हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे कि प्राइमरी अल्कोहल में sp3 कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बनेंगे, प्राइमरी ही नहीं बल्कि सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही टाइप के अल्कोहल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और OH के बीच यानी कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और OH के बीच ही बॉन्ड बनेंगे। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें यानी देखिए ये भी होंगे 2 डिग्री अल्कोहल यानी ये होंगे सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे सपोज कीजिए हम इसका एग्जांपल लें, मान लीजिए कि हम सेकेंड में लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, जैसे देखिए हम लिखते हैं CH3CH2CH और देखिए हम लिखते हैं CH3। इसमें देखिए इसमें यह जो कार्बन है यह सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इससे जब हम OH ग्रुप लगा देंगे तब यह अल्कोहल कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इस सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ये OH ग्रुप
इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और ये कार्बन देखिए, ये कार्बन आपको सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए ये एग्जाम्पल होंगे सेकेंडरी अल्कोहल के। अगर आप लिखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जैसे देखिए हम लिखते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल CH2OH, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल नहीं होंगे, क्योंकि इस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है, जबकि सेकेंडरी कार्बन है इस कंपाउंड में, लेकिन उससे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होंगे। चलिए सभी बच्चे एग्जाम्पल लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, इसको लिखने नहीं है। अगला देखिए, तीसरा अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का टाइप होता है, और वे अल्कोहल होते हैं, वे अल्कोहल आपको होते हैं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल देखिए हम किसको कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। तीसरे टाइप का अल्कोहल देखिए होता है थर्ड टाइप अल्कोहल का टर्शियरी, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इसको देखिए हम थ्री डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। ये देखिए तृतीयक अल्कोहल क्या होंगे, यानी ये टर्शियरी अल्कोहल क्या होंगे, आप डिफिनेशन लिखोगे हिंदी में, वे अल्कोहल जिसमें, वे अल्कोहल जिसमें OH समूह, जिसमें OH समूह सीधे, जिसमें OH समूह सीधे टर्शियरी कार्बन, जिसमें OH समूह सीधे टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, OH समूह सीधे टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, वे अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहलाते हैं। हिंदी में देखिए हमने आपको डिफिनेशन लिखाया, वे अल्कोहल जिसमें OH समूह सीधे टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। अंग्रेजी में देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, दी अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, या आप लिख सकते हो डायरेक्टली लिंक्ड विथ
टर्शियरी कार्बन विथ टर्शियरी कार्बन विथ टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल और इसी को हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए टर्शियरी अल्कोहल का हमने क्या डिफिनेशन आपको लिखा, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। जैसे देखिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम आपको देखिए इसका पहला एग्जांपल देखिए लेते हैं, पहला एग्जांपल देखिए हम इसका लेते हैं आपको CH3 देखिए C, उसके बाद देखिए लिखते हैं CH3 और से इसका एक बॉन्ड खाली हो, तो जो बच्चे हमने जब अल्काइल ग्रुप बताया था तो इस ग्रुप को हमने नाम दिया था टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। देखिए इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में ये जो कार्बन एटम हैं, ये 3 दूसरे कार्बन से अटैच्ड हैं, तो यह कार्बन हुआ टर्शियरी कार्बन। और देखिए अगर इससे OH ग्रुप को हम डायरेक्टली लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, तब यह कंपाउंड होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यह कंपाउंड आपको होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यार इसी कंपाउंड को देखिए हम लिखेंगे CH3 whole 3 COH, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होते हैं ये एग्जांपल्स होते हैं किसके, टर्शियरी अल्कोहल के। देखिए हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टर्शियरी कार्बन। तो देखिए इसमें जो OH ग्रुप लगा है इस टर्शियरी कार्बन से सीधे लिंक्ड है, इसलिए हम इस अल्कोहल को कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इसका दूसरा एग्जांपल फिर लिखेंगे। जैसे देखिए इस टर्शियरी अल्कोहल के हम दूसरे एग्जांपल को गौर करें, तो देखिए टर्शियरी अल्कोहल का हमने अभी डिफिनेशन आपको क्या लिखाया कि वे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो। जैसे देखिए हम इसका सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, कंपाउंड देखिए लिखते हैं CH3 देखिए CH2 फिर देखिए हम लिखे CH3 और देखिए यहां लगा दें OH। तो देखिए यह जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में यह OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन देखिए 3 दूसरे कार्बन से लिंक्ड है, तो यह कार्बन होगा टर्शियरी कार्बन और OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये अल्कोहल कहलाएंगे टर्शियरी अल्कोहल। अब देखिए इन शॉर्ट अगर हमको कहीं भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने हैं, पहचान करने हैं, यानी किसी वक्त आपको CBSE बोर्ड में अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा, यानी आया करता है,
और कि उसमें कुछ अल्कोहल दिए रहेंगे आपको, जिसमें आपको पहचान करने होंगे कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन टर्शरी अल्कोहल है। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल इसके लिए आप पहचान कीजिएगा, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, तो उसके लास्ट में आपको मिलेगा CH2OH। यानी जिसके लास्ट में CH2OH अटैच हो, ठीक, आप कंपाउंड का कंडेंस फार्मूला लिख लोगे और कंडेंस फार्मूला लिखने के बाद अगर कंपाउंड में CH2OH लास्ट में आया तो आप कहोगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर देखिए सेकेंडरी अल्कोहल आपको आइडेंटिफाई करने हैं, यानी सेकेंडरी द्वितीयक अल्कोहल की आपको पहचान करनी है, तो यानी 2 डिग्री अल्कोहल, तो देखिए इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मिलेगा CHOH और इसके दो बॉन्ड दो अलग किसी ग्रुप से जुटे हुए होंगे, किसी ग्रुप ने दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। यानी सेकेंडरी अल्कोहल का आपको पहचान करना है तो उसके लास्ट में मिलेगा आपको CHOH और इसके दो बॉन्ड इस तरह से खाली नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके साथ भी कोई अल्काइल ग्रुप या कोई और ग्रुप लगा हुआ होगा। अब देखिए तीसरे टाइप का अल्कोहल जिसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल, यानी देखिए हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, और इस 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान होती है COH। इस 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या होती है? COH। यानी प्राइमरी अल्कोहल के लास्ट में आपको मिलेगा CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल में आपको मिलेगा CHOH और टर्शियरी अल्कोहल में आपको मिलेंगे COH। और देखिए NCERT किताब में, अभी आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, तब NCERT में आपको एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है और एक्सरसाइज में भी है, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी पहचान कीजिए। आप नोट कर लीजिए, हम लास्ट में देखेंगे अगर CH2OH है तो कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, अगर CHOH है तो हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर COH है तो हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल है। और देखिए इस तीनों ही टाइप के अल्कोहल में, ठीक, इस तीनों ही टाइप के अल्कोहल में आपको sp3c और OH के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक। यानी इस प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में जो कार्बन एटम होंगे वह sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा। सभी बच्चे एक मिनट में नोट करें, तब तक NCERT के उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे इसके बाद।
आप लोग सभी बच्चे लिख लिए होंगे। देखिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 317 यानी 317 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या है आपको, यानी देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा आपको पाठ्यनेट प्रश्न। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11.1 आपको दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। यानी नीचे जो दिए गए हैं उसको आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्लासिफाई कीजिए। जैसे देखिए आपको पहला एग्जांपल देखिए है आपको दिया हुआ है, देखिए सी, देखिए यहाँ लिखा है CH3, फिर देखिए है CH3 और यहाँ देखिए लगे हुए हैं CH2H। यानी इसको आपको आइडेंटिफाई करना है ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए बेशक ये प्राइमरी कार्बन है जबकि देखिए ये टर्शियरी कार्बन है। आपको देखना है OH किस कार्बन से जुटा है तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, या अभी आपको बताया कि कंपाउंड के लास्ट में अगर CH2OH आपको लिखा मिले तो आप क्या बोलोगे, यह प्राइमरी अल्कोहल है यानी 1 डिग्री अल्कोहल है। यह अल्कोहल कौन अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 नंबर में देखिए आपको दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में देखिए आपको एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और देखिए सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस कंपाउंड को भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं यह कौन अल्कोहल है, तो देखिए यह अल्कोहल भी लास्ट में CH2OH रखता है तो ये कौन अल्कोहल होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल होंगे। जहां से देखिए थर्ड में देखिए आपको क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, थर्ड में देखिए है दिया हुआ प्रोपाइल अल्कोहल, ये सब आपको पहले भी बता चुके हैं CH3 CH2 CH2 और देखिए OH, इसके भी लास्ट में देखिए OH लगा है, यह भी कौन सा अल्कोहल होगा, तो ये भी होंगे 1 डिग्री अल्कोहल, यह भी अल्कोहल आपको होगा 1 डिग्री अल्कोहल। आप लोग नोट कीजिए।
लोग सभी बच्चे लिख लिए होंगे। अब फिर देखिए इसमें फोर्थ नंबर कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है 11.1 में ही, जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए फोर्थ नंबर में आपको लिखा हुआ है एग्जांपल, देखिए फोर नंबर में आपको कंपाउंड देखिए लिखा हुआ है। फोर नंबर में देखिए एक बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, इस बेंजीन रिंग में एक बेंजीन रिंग बनाया हुआ है और देखिए यहाँ लगा है CH और CH3, फिर देखिए इस जगह लगा हुआ है OH। फिफ्थ नंबर में देखिए, फिफ्थ नंबर में देखिए ग्रुप लगा कंपाउंड है लिखा हुआ, बेंजीन रिंग, देखिए बेंजीन रिंग बनाया हुआ है आपको, इस बेंजीन रिंग के साथ देखिए अटैच कर दिया है CH2, उसके बाद देखिए CH, फिर देखिए इसमें लगा हुआ है CH3, फिर देखिए यहाँ लगा रखा है OH। फिर उसके बाद देखिए सिक्स नंबर में देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये देखिए बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में देखिए है CH डबल बॉन्ड CH, फिर देखिए लगा हुआ है C, फिर देखिए लगा हुआ है CH3, फिर देखिए यहाँ लगे हुए हैं OH। आपको इन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया अगर CHOH है तो सेकेंडरी, देखिए यह भी CHOH है, ठीक, यह भी सेकेंडरी यानी फोर्थ और फिफ्थ नंबर होंगे सेकेंडरी, जबकि सिक्स नंबर में देखिए OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक जिस कार्बन से है वह है टर्शियरी कार्बन। फोर्थ और फिफ्थ को देखिए इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से लिंक्ड है वह है सेकेंडरी कार्बन, तो यानी ये अल्कोहल होंगे 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी होंगे 2 डिग्री अल्कोहल और ये होंगे 3 डिग्री अल्कोहल, यानी ये फोर्थ और फिफ्थ नंबर होंगे सेकेंडरी अल्कोहल और सिक्स नंबर आपको होगा टर्शियरी अल्कोहल, सिक्स नंबर आपको होगा टर्शियरी अल्कोहल। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, आप सभी बच्चे इसे नोट कर लिए होंगे और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी टाइप के अल्कोहल हूं और उसका स्ट्रक्चर आपको किसी फॉर्म में लिखा हो तो उसका कॉमन तो बहुत कम कंपाउंड के नाम होंगे, हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं जो पूरा NCERT के इंटायर कंपाउंड को कवर करेगा, तो यानी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्कोहल आइदर वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो और वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो डायहाइड्रिक अल्कोहल हो या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो उसका फॉर्मूला आइदर कंडेंस वे में लिखा हो या उसके लाइन स्ट्रक्चर लिखे हुए हो या उसके पॉलीगॉन फॉर्मूला लिखे हुए हैं, हम बताएंगे आपको कि उन अल्कोहलों का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। धन्यवाद। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।